किसके जीवन में? जो भयातुर है, जो भय लोलुप है, उसके जीवन से भय कैसे जाएगा? मैंने कहा भय आतुर, जो आतुर है भय को आकर्षित करने के लिए, मैंने कहा भय लोलुप, जिसे भय का लालच है, उसके जीवन से भय कैसे जाएगा? हजार तरीकों से हम भय को मात्र आमंत्रित ही नहीं करते, उसे एक शाश्वत जगह देते हैं। जैसे अपने घर में कोई कमरा ही दे दे उसे, आओ रहो, वो जाएगा कैसे? भय प्राणहीन है, भय ऐसा है, ये भय है। इसमें क्या ताकत, क्या बिसात कि ये आपसे चिपटा रहे? है इसमें कोई ताकत? आप उसे जेब में रख लो, हृदय के पास रख लो, या आपकी मर्जी। अपनी दिनचर्या को देखिए, सुबह से शाम क्या चल रहा है उसको देखिए, और देखिए कि कितने तरीकों से आप भय को प्रोत्साहन देते हो। भय माने क्या? अपने से बाहर की किसी भी चीज को अतिशय मूल्य दे देना ही भय है। संसार को अतिशय गंभीरता से ले लेना ही भय है। इस दुनिया का कुछ ऐसा है कि यहां आपने जो कुछ भी बड़ा कीमती माना वही आपके लिए जंजाल बन जाएगा। मैं दुनिया को त्यागने की बात नहीं कर रहा, मैं दुनिया के साथ एक स्वस्थ संबंध रखने की बात कर रहा हूं। यहां आपने जिस भी चीज को मन पर छा जाने दिया वही आपके लिए नरक बन जानी है, क्योंकि जहां कुछ कीमती हुआ नहीं तहां उसके संरक्षण का ख्याल तुरंत आएगा। मेरे लिए ये बहुत कीमती है, ये इसको उठा के ले जाना चाहती है, अब क्या होगा? और लेके भगी ही तो क्या होगा फिर? हिंसा। और अब अगला दृश्य देखिए, इसके प्राण हैं, इसके पांव हैं, ये स्वयं जाना चाहता है, मैं क्या करूंगा? मैं इसे बांध दूंगा, मैं इसे कहूंगा ना, तू मेरा है, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, मुझे प्यार है तुझसे, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। हो गई ना जिंदगी नरक दोनों की। ये भय है, ये इस दुनिया का फसाना है। मौज में जियो, मुश्किल काम है जरा, हम जैसे हैं हमारे लिए मुश्किल है। जब तक ये पास है अच्छी बात है, लेकिन हस्ती अपनी कुछ ऐसी रखो दिल में कि जिस क्षण ये कहे कि जाना है उस क्षण तैयार रहो। तुम आतुर नहीं हो इसको भगाने के लिए, पर अब इसने मन बना ही लिया, इसके भी हमने कहा ना प्राण है, पांव है, अब ये जाना ही चाहता है तो जाने दो। इतने निर्भर ना हो जाओ, इतने आश्रित नहीं कि तुम्हें लगे कि ये गया तो जैसे हमारा कोई हिस्सा ही चला गया। और ये बड़ी महीन बात है कि टूट के प्रेम करना है, सब कुछ अपना दे देने की हैसियत रखनी है, लेकिन फिर भी आश्रित नहीं हो जाना है। हम यहीं पर फंसते हैं, यहीं पर मामला अटकता है। हमारे लिए प्यार का मतलब ही होता है पर निर्भरता। और जब तक आप किसी पर आश्रित नहीं हो गए, ना आपको लगता है ना उसको लगता है कि प्यार है। प्यार भी करना है और गुलामी भी नहीं करनी है। प्यार पूरा, गुलामी जरा भी नहीं। ये साधना होगा।
ये साध लिया तो जीवन साध लिया, ये नहीं साधा तो जन्म अकारथ। ऐसे जैसे कि कोई खुल के खेले, खुल के खेले, खुल के खेले, और फिर अचानक कोई बताए हो गया समय पूरा, तो मुस्कुराए, जिनके साथ खेला था उनसे हाथ मिलाए, गले मिले, अलविदा, अब भय नहीं है। खुल के खेलो और विदा के लिए हर क्षण तैयार रहो। विदाई माने यही नहीं होता कि मौत आ गई, विदाई माने ये कि ये चला गया, ये विदाई है। विदाई माने ये कि विचार टूट गए, धारणाएं टूट गईं, ये विदाई है। तुम जैसे हो, तुम्हारी पूरी व्यवस्था, तुम्हारा पूरा जो आंतरिक समीकरण है वो जैसा है, उसके ही हट जाने को, मिट जाने को विदाई कह रहा हूं। उसके लिए हमेशा तैयार रहो, उसे बचाने की कोशिश ही मत करो, अपने आप को सुरक्षा देने के लिए आतुर मत रहो। कि जैसे जो दो अजनबी मिले हों ट्रेन में, जब तक आमने सामने बैठे थे दिल खोल के बातें की डूब के, और नाम भी नहीं पूछा एक दूसरे का, स्टेशन आया उतर गए। कोई दुख नहीं है इसमें, कोई ट्रेजेडी नहीं सुना रहा हूं, यही जीने की कला है। कोई बुराई नहीं है गोल्स में, बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। जितने लक्ष्य बनाने हो बनाओ, बस जब हासिल ना हो तो रोना मत, और जब हासिल हो जाए तो फूलना मत। हासिल ना हो तो, और हासिल हो जाए तो फूलना मत। बनाओ लक्ष्य, जितने लक्ष्य बनाने बनाओ, और जीतोड़ मेहनत करो, दौड़ो उनके पीछे, और करोगे क्या नहीं तो मोटे हो जाओगे, बैठे बैठे खाओगे क्या। खेलो कूदो दौड़ मचाओ, कुछ तो करोगे।